welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have made this video for Aquarius zodiac sign, जिनका zodiac sign Aquarius है, कुंभ राशि के जातकों का 16 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय कैसा जाएगा, क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, मैं ये जानना चाहूँगी मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी से, प्लीज़ मुझे बताएं कि कुंभ राशि के जातकों का Aquarius जिनका zodiac sign है उनका 16 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय कैसा जाएगा, क्या मैसेज है उनके लिए 50 डेज के लिए, और लव मेट के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा ये भी मैं देखना चाहूँगी ज़रूर से, और क्या प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए कुंभ राशि के जातकों के लिए। मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत अच्छी रहेगी, आपको चीज़ें आपको पहले से ही पता चल जाएंगी कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, इंट्यूशन इस वक्त बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा कार्ड है आप लोग के लिए, पॉजिटिव कार्ड आया है, सेकंड कार्ड ही पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि आपके लिए अभी सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा कि पूजा पाठ करो या अपने भगवान को मानो या आपके जो भी गॉड है उसको मानो, तो इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है, स्पिरिचुअल आपको होना इस वक्त ज़रूरी है, और यहाँ पे रिच प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया हुआ है, प्रॉस्पेरिटी आपके आसपास बहुत प्रॉस्पेरिटी रहेगी, आपके पास जो है सपोर्ट करने के लिए आपके आपके जो भी फीमेल मेंबर्स हैं आपके घर में वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इस वक्त, और यहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज दिखा रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो भी आपके करीबी हैं, जो भी आपके अगर आप सिंगल हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी माँ से या पिता से नहीं झगड़ना है, थोड़ा सा इश्यूज दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आप मैरिड कपल हैं, अगर आप खुद एक शादीशुदा स्त्री हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा जो है शादियों के बारे में या शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सोच सकती हैं, कुछ प्लान कर सकती हैं, जो लोग सिंगल हैं वो लोग भी यहाँ कार्ड मैसेज कर रहा है कि आप इच्छा जाहिर कर सकती हैं कि जो है हम शादी के लिए तैयार हैं या सोच सकती हैं, नहीं भी बोलेंगे तो भी विचार आपके दिमाग में ऐसा चलते हुए दिख रहा है, आपके लिए अच्छा समय है इस वक्त, आप प्रपोजल्स को देख सकते हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं करियर वाइज जो है आपका समय इस वक्त अच्छा है, जो लोग नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं या ऑलरेडी नौकरी में हैं कैसे प्रोग्रेस करना है, स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं प्रोग्रेस करिए इस वक्त, हो सकता है कि इस वक्त आपकी कहीं ना कहीं किस्मत क्या पता कि खुल ही जाए, किस्मत साथ दे दे, प्रोग्रेस का कार्ड आया हुआ है, प्रोग्रेस करेंगे इस वक्त, कोई ऐसा खास जो है नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, बस थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं किसी से, तो झगड़ा हो सकता है किसी वाद विवाद जैसे कह सकते हैं हम, इसे अवॉइड करिएगा, लव मेट के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा मैं देखना चाहूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो आया हुआ है अबेंडेंस का, दैट मीन्स कि आपको इस वक्त बहुत सारा रिलेशनशिप में भरपूर कुछ मिल सकता है, जैसे कि रेस्पेक्ट या लव उस तरह की चीज़ दिखा रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने लवमेट के साथ जो है वो समय बिताने का हो सकता है, समय ज़्यादा मिल जाए, कुछ भी यहाँ पे दिखा रहा है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता हो सकती है, तो लेकिन पॉजिटिव है जो कुछ भी है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, और यहाँ पे यहाँ पे एक लेडी का कार्ड आया हुआ है, शी इज़ द गॉडेस ऑफ स्टार्स, तो यहाँ पे आपको एक ब्लेसिंग्स हैं जो आपके सितारे हैं इस वक्त, वो सितारे आपका साथ देंगे, आपका ऑरा जो है वो रिलेशनशिप में एक न्यू लाइट लेकर के आएगा, नई ऊर्जा का स्रोत दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में, जो कि आप फील करेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, आपके लाइफ में इस वक्त मदरली फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी आपके लव मेट और आपके बीच में, जैसे एक दूसरे की केयर करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो नॉट पाने एक बार मदरली फीलिंग आ जाती है ना, एक दूसरे की केयर जब करने लगते हैं तो नॉट बन जाती है, जैसे कि रिश्ता बंद गया हमेशा के लिए, तो इस तरह की चीज़ दिखा रहा है, और पॉजिटिविटी यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, और लास्ट जो कार्ड है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके ऊपर आपका जो अच्छा ही संबंध जो बनेगा इस वक्त, ध्यान रखिएगा कोई जना आप पे ब्लैक आई रखने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अवॉइड करिएगा, ऐसे पर्सन ऐसे सिचुएशन को ऐसा एटमॉस्फेयर जो जहाँ पे डार्कनेस हो नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करिएगा इस वक्त। यहाँ पे साफ मैसेज आ रहा है इसकी तरफ से, जैसे कि मैंने बोला ना कि इश्यूज बहुत दिखा रहा है यहाँ पे, तो ऐसा ना हो कि वो आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करने लगे। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।